हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के बाई वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में। और आज हम अपने इस बाई वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट, सेकेंड इज व्हाट इज GPAI, थर्ड द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। फ्रेंड्स, दीज थ्री पॉइंट्स आर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ दिस वीक एंड द लास्ट टू क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट इज डिफेंस एक्सपो 2020 एंड द लास्ट वन विच एयरपोर्ट इन इंडिया लॉन्च वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कोल जोन फॉर स्टोरिंग एग्रो फार्मा प्रोडक्ट। दीज आर द टू रिविजन क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर डिस्प्यूट ऑफ दिस वीक एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस वीक ऑल्सो। सो ये इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट में कौन से पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर इस वीक में सबसे ज्यादा चर्चा पे है? सो दैट इज अबाउट द मैप, न्यू मैप ऑफ नेपाल। सो विच पार्ट ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन न्यू मैप ऑफ नेपाल? तो इंडिया का कौन सा पार्ट नेपाल के नए मैप में इंक्लूड किया गया और जो कि पूरे भारत का टेंशन इस पर लेकर जाता है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होना शुरू हो रहा है, ऑलरेडी स्टार्टेड। सो द पार्ट विच वर इंक्लूडेड इन द न्यू मैप ऑफ नेपाल ऑन सैटरडे, दैट इज ऑन 13 June 2020। तो ये जो है आपका लिम्पियाधुरा के अलावा कालापानी, उसके अलावा लिपु लेक, ये तीन पार्ट जो है नेपाल ने अपने नए मैप में दिखाया है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लिपु लेक पास। तो भारत का लिपु लेक पास भी जो है वो नेपाल के न्यू मैप में चला गया। एंड ऑल दीज पार्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये तीनों ही पार्ट लोकेटेड है और ये तीनों ही टेरिटरी जो है अब नेपाल ने अपने नए मैप में शो किया है। तो आइए देखते हैं न्यू मैप। तो ये है आपका ओरिजिनल वर्जन। तो ओरिजिनल वर्जन जो मैप है जिसमें कि आपको नेपाल का पिथौरागढ़, इंडिया का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के मैप में नहीं दिखेगा। लेकिन अब जो न्यू नेपाल ने न्यू वर्जन जो मैप अपना लागू किया है उसके हिसाब से अपलोड किया है, उसमें लिम्पियाधुरा, लिपु लेक और कालापानी ये तीनों ही पार्ट जो है वो नेपाल में चले जा रहे हैं और ये उनका एक्सटेंशन पार्ट इस मैप में दिखाया गया है। और ये है रिवर काली, जिसको लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट टाइम पे अराइज हुआ है। सो ये लॉ कहां पर पास हुआ? सो इट इज इन द प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा क्या है? इट इज द लोअर हाउस ऑफ नेपाल्स पार्लियामेंट। तो नेपाल के लोअर हाउस जो है नेपाल के पार्लियामेंट को उसे हम प्रतिनिधि सभा के नाम से जानते हैं। एंड ऑन 13 June अनेनिमसली पास द हिस्टोरिक सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गारंटिंग लीगल स्टेटस फॉर द अपडेटेड पॉलिटिकल मैप ऑफ नेपाल। एंड दिस इंक्लूडेड 3 इंडियन टेरिटरीज इन उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। एंड दिस पर्टिकुलर new constitutional amendment bill, which is the second constitutional amendment bill, it received support not only from the ruling party, that is the Nepal's Communist Party, this also gets support from the Nepali Congress and the newly formed Janata Samajwadi Party Nepal. So all the political parties which are there in Nepal, they are supporting this new second constitutional amendment bill and this new map. On the other hand, India has said that they are taking the diplomatic attempt to resolve the problem. Now, what is GPAI? GPAI stands for Global Partnership on Artificial Intelligence. And why this is recently in news? Because India on 15 June 2020 joined this as founding member. And other founding members of GPAI are League of Leading Economies, including USA, UK, European Union, Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, Republic of Korea and Singapore. And all these countries are the leading economies of the world. And this GPAI, which is Global Partnership in Artificial Intelligence, is also known as GPAI. Now in detail about GPAI, what is actually and what are the objectives of GPAI? So GPAI is an international and multi-stakeholder initiative. The GPAI is what? It is an international and multitasking stakeholder initiative, and the objective behind the foundation of this GPAI is to guide the responsible development and use of AI grounded in human rights, inclusion, diversity, innovation and economic growth. And this is also a first initiative of its
time for evolving better understanding of the challenges and opportunities around artificial intelligence using the experience and diversity of participating countries. And in order to achieve this goal, the initiative will look to bridge the gap between the theory and practice and AI by supporting cutting edge research and applied activities on artificial intelligence related priorities. On the other hand, this GPAI will be supported by whom? This will be supported by a secretariat to be hosted by Organization for Economic Cooperation and Development in Paris, as well as by two centers of expertise, one each in Montreal and Paris. Now the next important topic. According to the World Investment Report 2020, India becomes the 9th largest recipient of FDI in 2019, and India received $15 in foreign investment in 2019. And this report was released by whom? This report was released by UNTAD. इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया? इस रिपोर्ट को UNTAD ने रिलीज किया. और ये रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया जो है बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज को जो है अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और स्पेशली एशिया में एक इकोनॉमिक हब के रूप में इंडिया उभर कर सामने आ रही है. Now question comes, what is the World Investment Report? ये World Investment Report है क्या? जी, World Investment Report जो है वो UNTAD के द्वारा ही रिलीज की जाती है इनके अंडर में. एंड द World Investment Report किन पर फोकस करती है? फोकस ऑन द ट्रेंड्स. ट्रेंड्स इन व्हाट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड वाइड में किस तरह से FDI जो है किया जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा हो रहा है. रीजनल बेसिस में उन्हें स्टडी करने का काम करती है, कंट्री वाइज इसे स्टडी करने का काम करती है. एंड एमर्जिंग मेजर्स टू इम्प्रूव इट्स कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, और किस तरह से मेजर्स को जो है इम्प्रूव करें कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट की, FDI को हम डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज करें, इन सारे इश्यूज पर जो है ये UNTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट काम करती है, और हर साल द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को वो जनरेट करती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज डिफेंस एक्सपो 2020? सो डिफेंस एक्सपो 2020 इज व्हाट? इट इज द बिगेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन फॉर हुम? फॉर द वर्ल्ड्स डिफेंस कंपनीज. एंड फॉर व्हाट पर्पस? टू डिस्प्ले व्हाट? टू डिस्प्ले देयर लैंड, सी एंड एयर कैपेबिलिटीज एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म. And the Defence Expo 2020 was what? It was the 11th edition. And it was for the first time held where? For the first time it was held in Lucknow in UP from February 5th to 9th 2020. And it offers what? It offers an excellent opportunities for the Indian defence industry to showcase what? To showcase its capabilities and promote its export potential. And the main theme of Defence Expo 2020 is the Emerging Defence Manufacturing Hub. And the objective is what? Digital transformation of defense. And this time the number of companies registered for participation in the Defense Expo 2020 was 1028 countries participated this time, which led to the biggest ever Defense Expo held in India. And this Defense Exhibition Organization, Defense Expo is actually launched by whom? This was actually organized by Defense Exhibition Organization, and it was established in which year? It was established in 1981. It was established in which year? 1981. And the agency is responsible for what? The agency is responsible for organizing international exhibitions such as Defense Expo and Indian participation at overseas exhibition. Now the last question, which airport in India launched world's largest export cold zone for storing agro pharma product? So India mein किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन फॉर स्टोरिंग व्हाट? फॉर स्टोरिंग एग्रो फार्मा प्रोडक्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी दिस ईयर मुंबई एयरपोर्ट लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कोल्ड जोन फॉर स्टोरिंग व्हाट? फॉर स्टोरिंग एग्रो एंड फार्मा प्रोडक्ट. तो ये थे फ्रेंड्स आज के 5 क्वेश्चंस, 3 करंट अफेयर्स और 2 पुराने जिसे हमने रिवाइज किया. सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन मीट विद द न्यू करंट अफेयर्स टॉपिक्स एंड द रिवीजन क्वेश्चन.